हम लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि कोई से नकाम नहीं करेगा, बाहर का देखते हैं। तो पहले बाहर अपवर्क पे देखा कि यार डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, तो फिर बहुत लोगों के प्रपोजल्स आए, उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, दोनों को 1-1 महीने का टाइम दिया, जिसने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया उसको हायर किया 3 महीने के लिए। ऑल फील गुड फील करता है ऑब्वियसली वो, सब अच्छा लगता है, ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, किसके लाइक आएंगे, वो जेन्युइन प्रोफाइल भी है कि नहीं पता नहीं। फिर बॉम्बे के एक फ्रेंड को बोला कि यार वो तो काम नहीं कर रहा है, तू हेल्प कर दे। फिर उसने हेल्प किया। ऑफकोर्स उसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा कीड़े मकोड़े टाइप का जाएंगे, तो फिर उसने उसके हिसाब से मेरे को हेल्प किया, मेरे को उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उससे बात की, वो बोला कि तू एक काम, उसने मेरे लाइफ का सबसे अच्छा सजेशन उसने ये दिया कि यू नीड टू हैव समवन हु यू कैन हैव एन इंटरेक्शन एट लीस्ट ऑन अ वीकली बेसिस, अ डिटेल्ड 3 to 4 hour इंटरेक्शन ऑन अ वीकली बेसिस। तो फिर नागपुर के एक फ्रेंड को बोला कि ऐसा ऐसा करते हैं, एंड नाउ आफ्टर एंगेजिंग हिम फॉर अबाउट 3-3.5 months, आई नो वॉट आई शुड डू एंड वॉट आई शुड नॉट डू। आई नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑफ माई टाइम और नीड टू हैव मोर इंटरेक्शन। द पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग माई डिजिटल मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट माई बिजनेस। ही कांट बी सेलिंग शूज एंड देन प्रमोटिंग अ रेस्टोरेंट एंड देन प्रमोटिंग माई सर्विस बिकॉज ही वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू मी। तो ही नीड्स टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विद मी, दैट्स वॉट आई हैव फाउंड आउट, दैट इज माई लर्निंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट, एंड माई रिटर्न्स ऑन लर्निंग आर कमिंग ऑन एंड वी आर स्टिल काउंटिंग एज दे से। दिस वॉज बेसिकली माई एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल मीडिया। एनीबडी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ बजट्स और एनी स्ट्रेटजीज और एनीथिंग, आई एम मोस्ट विलिंग टू आंसर राइट नाउ और हाउ एवर द टाइम परमिट्स मैम। ओके तो या रिगार्डिंग बूस्ट, as you said we should promote that to targeted audience, so like if we want to spread that message only in Nagpur, so how to do that? That is simple setting there. In the audience tab you just type in NAG, it will give you 2 Nagpurs in India, select Nagpur from Maharashtra, and then it will say the post will reach let's say about 50,000 people or whatever, or 4 lakh people, whatever your एज बैंड एंड वॉट एवर योर इंटरेस्ट बैंड यू वुड हैव सेलेक्टेड, उसके हिसाब से आएगा। यू सी फर्स्ट वेदर दैट ऑडियंस इज रियली वॉट यू नीड, बिकॉज आउट ऑफ माई 350 बूस्टेड पोस्ट ओनली 25 or 30 हैव रियली बीन सक्सेसफुल, एंड द रेस्ट 300 हैव बीन ऑल लर्निंग। ये नहीं करना है, इससे मेरे को रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिल रहा है, ये देखने के लिए। तो हाँ, दैट यू कैन ऑल्सो पुट इन एज अ गुड कन्वर्जन रेशियो, कि 300 में से 30 पकड़ी आप, तो 350 में से 30, तो अबाउट 9% बहुत हो गया ये तो। लेकिन ये बहुत हो गया क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ और मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेक्निकली साउंड मानता हूँ, इसलिए। पर इवन इफ यू हैव 5 to 10% ऑफ सक्सेस रेट क्या होता है मैं बताता हूँ। हम लोग प्लेस करते हैं, हमारे प्लेस स्टेज क्राफ्ट के प्लेस में एक बार मैंने 1800 रुपीज़ का बूस्ट किया और उससे 2 लोगों ने टिकट खरीदे, तो 2 लोगों ने टिकट खरीदे 300 300 रुपीज़ के, 600 रुपीज़ डायरेक्ट रेवेन्यू, तो 1800 में से। उसके बाद मुझे पता चला नहीं ऐसे नहीं करूँगा, फिर 1000 रुपये का बूस्ट किया रेलेवेंट सिर्फ वेस्ट नागपुर, उसमें से 3 लोगों ने टिकट खरीदे, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 900 रुपये का रिटर्न ओवर वीकेंड, मतलब फ्राइडे को बूस्ट किया, संडे तक शो गए, और लास्ट बूस्ट किया 790 या 800 रुपीज़ का जो भी, और उसमें से कोई 3 या 4 हिट्स। अब मुझे ये पता चला कि मैं चाहे
1000 रुपए का बूस्ट करूं या 5000 रुपए का बूस्ट करूं या 10000 रुपए का बूस्ट करूं, मुझे 2 दिन में 3 से ज्यादा टिकट नहीं बिक रहे. तो दैट इज माई लर्निंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू अराइव एट दैट, यू नीड टू लर्न दैट, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हाँ जी. सबसे शुरुआत में आपने स्टोरी टेलिंग की बात करी. स्टोरी टेलिंग आपके प्रोडक्ट से लिंक होना चाहिए. हाँ. स्टोरी टेलिंग हमारे एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए या सामने वाले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है सर. अब मैं आपको इससे रिलेटेड अपने बोला ही है तो मैं दो मेरी वीडियो दिखाई देता हूँ अभी, नहीं तो हम लोग जब रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे थे तो हम लोग बड़े, वैसे हम लोग सिंपल और फ्रेंडली है, लेकिन हम लोग दिखाना नहीं चाहते कि हम सिंपल और फ्रेंडली हैं, तो हम लोगों को रेलेवेंट लोग मिल नहीं रहे थे. तो हम लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज की है. हमने बोला चलो जो चीज लोगों को शायद अट्रैक्ट करे वो अपन भेज के सोशल मीडिया में सीड करते हैं. करके हम लोगों ने ये वीडियो लिया जिससे बहुत इंक्वायरी थी, और शायद अगले 3-4 महीने में हम लोगों को कंटेंट राइटर्स और एडिटर्स का कोई नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा. दिस बिकॉज ऑफ दिस वीडियो. That means videos are the most preferred mode of communication, and it is evident from our revenue figures last financial year. 35% are from India and 65% are from the rest of the world. Also, there is a survey done whose findings are there with you. It says that 74% of the people who have actually watched a product video or a demo video have actually gone ahead and tried out the product. 74%. नहीं होता. हंटर रहता है हमारे ऑफिस में, लेकिन दिखाना पड़ता है. और एक दूसरी चीज जो हम लोग सोशली बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिससे हम लोगों को पिछले 3 महीने में 4-1 एजेंसीज ने हमको हायर किया. थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं बताऊंगा. हम लोग जनरली बिजनेसेस को हेल्प करते हैं वीडियोस बना के उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव रियलाइज करने में. अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, वी आर कमिंग अक्रॉस क्लाइंट्स हु ऑलरेडी हैव एंगेज एस्टैब्लिश्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजेंसीज विद देम. सो दे आर नॉट विलिंग टू गिव अस अ चंक ऑफ वर्क. दे वांट अस टू वर्क विद द एजेंसी. एजेंसीज के अपने अपने लोग हैं. एजेंसीज को लगता है कि अरे ये कहाँ नागपुर के प्रोडक्शन हाउस ये शादी के वीडियोज बनाते होंगे वगैरह, तो एंटरटेन नहीं कर रहे थे. तो अभी दिल्ली, बॉम्बे, अभी चेन्नई, अभी जस्ट वी बैक द टेक महिंद्रा अकाउंट इज वेल. तो हम लोगों ने उसके लिए एक छोटा सा दूसरा वीडियो बनाया. अब क्योंकि वी हैव हैमर एज अवर टूल, वी सी एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल. बिकॉज हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम बताओ उसका सोल्यूशन हमारे लिए वीडियो है. दैट्स हाउ वी एक्सेलेट व्हाट वी डू. ये जरूरी नहीं कि सबके वीडियोज ही होने चाहिए. आप इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं, छोटी छोटी पोस्ट, जैसे कल मैम बोल रही थी शॉर्ट पोस्ट होती है वो लिख सकते हैं, बट वो रेलेवेंट हो, वो प्रमोशनल ना हो. मतलब मैं ये लिख सकता हूँ या बता सकता हूँ कि वी मेक इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर बिजनेसेस एंड एजेंसीज, वी वुड लव टू वर्क विद एजेंसीज
because agencies can have their commission, and here because based in Nagpur, we will be able to do it in much less cost than production house in Bombay. So this becomes really unexciting, boring, people won't be able to buy that. So what we instead did is we created this. Acha, before we start, anybody knows करके एक लीडिंग एजेंसी वर्ल्ड वाइड, एंड डेविड ओगिलवी इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो ये फिल्म जब दिखाते हैं तो लोगों को लगता है नहीं, इनका अवेयरनेस अच्छा है, इनके साथ काम कर सकते हैं. नाउ इट इज दिस फिल्म दैट ऑल्सो गिव्स आउट अवर प्रोडक्शन वैल्यू, की प्रोडक्शन वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए. जो आपने पहली स्टूडेंट वाली देखी उसमें प्रोडक्शन वैल्यू ऐसी ही शूट की हुई थी, क्योंकि उसमें टारगेट ऑडियंस कौन था, ऑडियंस स्टूडेंट्स थे. बट इसमें टारगेट ऑडियंस था इंडस्ट्री के लीडिंग एजेंसी वाले, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी ज्यादा अच्छी. तो दैट्स हाउ यू नीड टू पिक अप योर स्टोरीज इंटरेस्टिंगली, इंटेलिजेंटली. आपका सॉल्व हो चुका. इसका मतलब सार यही है कि इसमें भी ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. जी बहुत बहुत. मतलब स्टोरी लाइन को भी फाइनलाइज करने के लिए उसको भी स्टार्टर. मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, अगर आपका बिजनेस ये यूनिक नहीं है तो आपको ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है. आपका बिजनेस अगर किसी भी तरह से यूनिक है तो आपको ट्रायल एंड एरर की जरूरत है. अगर समझिए मैं एक मिर्ची का ट्रेडर हूं जो एक जगह से लाके दूसरी जगह बेच रहा हूं, सिंपल है, उसमें कोई ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं. आप किसी को भी बोलिए कि भाई जस्ट तू हैमर कर, छोड़ना केओस वेओस सब बाद में, या तू हैमर कर, लोग 10 बार देखेंगे, 100 बार देखेंगे, उसमें से एक खरीदेगा, ये भी होता ही है. पर अगर आपका बिजनेस कुछ यूनिक है, उसमें कुछ यूनिक वैल्यू बिलीफ आप डालना चाहते हो, तो फिर ये ट्रायल एंड एरर जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट इज व्हाट मैटर्स. एक्चुअली लाइक माइंडेड पीपल किस तरीके से एक जगह आएंगे आप नहीं बता, और आपका टारगेट ऑडियंस किस माइंडसेट में रहेगा जब वो आपकी पोस्ट पढ़ रहा है. तभी जैसे जस्ट टाइम में हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ से बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन हम अगर हर इंक्वायरीज को आंसर करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसमें से मुश्किल से हार्डली एक या दो कुछ सक्सेसफुल होती है. तो उसके लिए कैसे फिल्टर करें कि ये हमारे पर्पज की है ये नहीं है, आप हमको जो आप बोल रहे हो फोन पे, वो फोन पे हम कुछ नहीं कर सकते. आपके रिक्वायरमेंट हमको ईमेल करेंगे तो ही हम कर सकते. तो दैट फिल्टर्स आउट मोस्ट ऑफ द जंक. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन जस्ट डायल एंड ट्रेड इंडिया आर देयर टू रिक्वायर द रेट्स. जैसे ही आप उनको बोलते हो कि आप सर हाँ जी बहुत ही सही है ये, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए फिल्म बनाने में, लेकिन सर क्या है हम लोग तब तक भेज ही नहीं सकते, आपको बता ही नहीं सकते जब तक आप ईमेल नहीं भेजते. मैं आपको अभी टेक्स्ट करता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस, आप ईमेल कीजिए आपके रिक्वायरमेंट, मैं उस पर रिटर्न करता हूँ. कोई नहीं भेजता.
सिर्फ कॉस्ट इंक्वायरी करने के लिए करते हैं कि इसका कितना कॉस्ट है, इसका क्या कॉस्ट है। और एक सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूँ मैं आपको, जो मैं पहले भी बोल रहा था, आप फीचर्स इंफॉर्मेशन इन पे लोग एक्शन कभी नहीं लेंगे। अगर मैंने आपको अभी बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं और इसकी ये प्राइस है, तो देर इज नो मोटिवेशन फॉर यू टू टेक एनी एक्शन। सभी मैंने बता दिया, पर मैंने अगर उसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें आपको बताई, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप यहाँ पे देखिए, तो आप जाके देखेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे उसको लेने के लिए, और वो आपका जो मोटिवेशन है इंटरनल, वो आपको पुश करेगा और आगे की एक्शन लेने के लिए। सो बेटर मतलब बेटर कम्युनिकेशन इज वेयर यू हाइड सम फैक्ट्स या सम इंफॉर्मेशन या सम एसेंशियल थिंग, यू विथहोल्ड इट so that your target audience is motivated to take another level of interaction with you. लेकिन जितनी भी inquiries आती हैं, आपका suggestion है कि सबको respond करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, whatever it is, चाहे fake भी आती है ना, कई बार जज नहीं आते, time pass के लिए inquiry करते हैं। आप फोन पे जज नहीं, हम लोग नहीं जज कर सकते एंगेजमेंट चाहे वो जस्टाइल हो या कुछ भी हो, आप आपके जस्टाइल के लिस्टिंग में या ट्रेड इंडिया के पेज में, इंडिया मार्ट के पेज में आप ऐसी इंफॉर्मेशन मत लिखिए जिससे सामने वाला मतलब वो फेक बंदा ये करेगा, मतलब आपको कॉल करेगा, उसके लिए आपको और ज्यादा आपके बिजनेस पे काम करना पड़ेगा। सर, अभी कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गया है, वो सोचता है ये तो सबसे पहली बात, उसको बाहर प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, इसलिए वो मेरे साइट पे भी जाएगा, इसके साइट पे भी जाएगा, वहां से वो देखेगा तो ये इतने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है, देन ही स्टार्ट बार्गेनिंग। राइट, नाउ बार्गेनिंग, हाँ जी, कि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग जब इतना सब सुनने के बाद लग रहा है कि हम लोग अभी एबीसी भी नहीं जानते, हमें किसी को हायर करना पड़ेगा जो हमारी ब्रांडिंग करेगा, तो हमें उसमें क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा जो यूज ऐसा देखने बनाए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। वही है आपका, वो मैडम ने अपना कम्युनिकेशन रेडी रखा है, किसी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ शेयर नहीं किया है लेकिन उन्होंने पूरा रेडी रखा है कि उनको क्या शेयर करना है, स्टोरी बनाई है, बताया। हाँ, हम लोगों ने क्या किया एंगेज करने से पहले, मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों ने एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें हम लोगों ने 45 एक पोस्ट तैयार की, 45 पोस्ट थी अंडर 100 वर्ड्स की, वो चीजें थी जो हम बिलीव करते हैं मेरे पेज पे अगर वो जाए। अच्छा, एक तो आप लोगों ने बहुत ऐसा फैनेटिकली पैशनेट होना चाहिए आपके बिजनेस के बारे में, ऐसा कोई भी ऐसा गहरा पोस्ट आपके इस पे आपने टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आपका फेसबुक या सोशल मीडिया या फॉर दैट मैटर डिजिटल मार्केटिंग पर्सनैलिटी इज a virtual representation of your business. People don't want to interact with businesses. They want to interact with people. आप social media पे क्यों हो? आप businesses के लिए नहीं हो, आप हैं social media पे क्योंकि आप लोगों से interact करना चाहते हो। तो आपका business की personality इंसान समान होनी चाहिए, उस इंसान के likes, dislikes, beliefs, passion सब होने चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि हमारे पोस्ट पे ऐसी एक भी पोस्ट नहीं जाएगी जिसमें एक भी स्पेलिंग, ग्रामेटिकल या पंक्चुएशन का एरर हो। ये अगर इतना मैं फैनेटिक हूं तो ही वो सामने वाला जो आपको सर्व कर रहा है
वो उसको एंटरटेन करेगा। अगर आप लीनियंट हो तो सामने वाले तो 10 लीनियंट है, आपके बारे में अगर इतने लीनियंट हो तो सामने वाले के लिए तो दूसरे का बिजनेस है और ऐसे और 6 बिजनेस के लिए वो काम कर रहा है। तो आपको हायर, किसी को भी आप हायर कर रहे हो, मार्केटिंग हायर कर रहे हो, आप आपके हेल्पर हायर कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड एडवाइज टू एवरीवन हु बिल्ड हु वांट्स टू बिल्ड द लास्टिंग बिजनेस इज दैट बी फैनेटिकली पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू एंड डोंट टॉलरेट एनीथिंग बिलो स्टैंडर्ड। Because if you conduct yourself in that way, that is the only way your business will develop that culture. Otherwise, वो dilute होते 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 फिर उसका कोई मतलब वो chaos में mix हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं। और हम मेरे business की personality develop करने के लिए मेरे पास time नहीं है, ये criminal है, ये criminal है। मतलब इसके लिए और एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताता हूँ, अभी कुछ महीने पहले आया था, inc.com, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, inc.com पे है, वर्किंग ऑन योर बिजनेस वर्सेस वर्किंग इन योर बिजनेस। तो मतलब और बहुत लोग बहुत ऐसे शायद रश्मि मैं भी 3-4 साल पहले तक यही बोला होता कि नहीं मेरे को इसके लिए टाइम ही नहीं है, मेरे को इसके लिए टाइम ही नहीं है, नहीं टाइम नहीं या निकाल नहीं सकता उतना नहीं दे सकते। तो अपने को ये फॉलोअप नहीं, तो फिर अपने को देखना ये चाहिए कि मैं ऐसी किस जगह टाइम दे रहा हूँ जहाँ से मैं वो निकाल सकता हूँ। मतलब मैंने अभी पिछले 1 साल में मैं हमारे प्रोडक्शन के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ इसलिए ये कर पा रहा हूँ, लेकिन वो टाइम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा, नहीं तो यू विल बी जस्ट अनदर नॉइज इन द होल केओस। और ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको जी प्रायोरिटी आज है जी उसको पहले ज्यादा समय दीजिए, तो जिसकी प्रायोरिटी आज नहीं है उसको आप कम समय दे दिया आगे बढ़ो। मार्केटिंग में टाइम बाउंडिंग नहीं है, आप रात में कभी भी और ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसलिए वो बेटर। लेकिन आप सब स्टैंडर्ड्स को देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे वो क्लाइंट्स जो मेरे को रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कराएंगे, क्यों? क्योंकि उनको वो फंड नहीं जमा है। ऐसे लोग ही मेरे से अच्छा काम करा सकते हैं। मेरे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप लोग हमारे देश के हिसाब से कुछ करा के तो भी उनको चलता है, बट दोज आर नॉट द क्लाइंट्स हु गेट बेनिफिटेड द मोस्ट आउट ऑफ आवर वीडियोस। पर जो ज्यादा फैनेटिक्स हैं ऐसे, वो लोगों को पता है कि नहीं ये वीडियो इस तरह से जाने वाला है, ये काम करने वाला है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मी। वैसे क्लाइंट्स तो अपने को वैसे क्लाइंट्स तो पहले बनना चाहिए, वैसे एम्प्लॉयर्स बनना चाहिए, वैसे एम्प्लॉयीज बनना चाहिए और वैसे क्लाइंट्स बनना चाहिए, क्योंकि मतलब कभी ये सोशल मीडिया पे आप ला पाओगे जब सामने वाला आपके यहाँ दिखेगा नहीं। वो हमारा लोगो ऐसा साइड वेज आता है, एक एंगल पे है, 28 डिग्रीज पे है, तो हमारे डिजिटल मीडिया वालों ने डिजाइन करके उसको चेंज किया, तो मैंने सारा चेंज कराया उसको। उस हमारे ऑफिस के सब लोग बोल रहे थे कि हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बोला नहीं आज अगर इससे फर्क नहीं पड़ा तो कल वो और भी कुछ चेंज करेगा। तो व्हाट कैनॉट बी टॉलरेटेड विल नेवर बी टॉलरेटेड, मतलब ये इनटॉलरेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ रैशनल यू। भाई मैं ऐसा हूं, तेरे को मेरे लिए काम करना है। बट व्हाई यू चूज 28 डिग्री इंक्लिनेशन? दैट इज अ राइजिंग ग्राफ। बट व्हाई नॉट 30 डिग्री? 45 डिग्री दैट डिजाइन वी हैव पास्ट। या दैट इज माय डिजाइनर्स डिजाइन, दैट इज डिजाइनर्स डिजाइनर्स। बट देखिए बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं, उसमें से हम लोग नहीं ये अच्छा लग रहा है। अब ये अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें से कौन से एलिमेंट अच्छे लग रहे हैं उनको स्टैंड बेस कर दो, ये इससे चेंज नहीं होंगे।
अच्छा लग रहा है और इम्पोर्टेंट है, दोनों अलग चीजें बराबर है। कुछ अच्छा लगना है और इम्पोर्टेंट चीजें आपकी पर्सनालिटी को आपकी पर्सनालिटी ही रखती है और कुछ उसको चेंज करती है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज आपकी पर्सनालिटी को ऑल्टर कर रही है, उसको रोकना है। अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। सर आप फिर से आपका लोगो दिखा सकते हैं, हम देखेंगे अगर उसको 90 डिग्री लगा तो फर्क गिरता ही है, whether it will make a difference. That if a picture is worth 1,000 words, then wouldn't communication be better at 24 pictures per second? At Saw Digital Movies, we specialize in making movies that help you present your business in the most engaging way. We have developed a unique script storyboard approach for corporate videos that makes us stand out in what we believe is the most compelling medium of communication today. And it is our rapidly growing professional work experience that speaks volumes. After having worked with companies from diverse sectors, we can create a video that would very precisely address and fulfill your company's needs. Now that can be marketing or motivational, or it may be anything between training and technical, from inspiring to instructional, or just a corporate success story. We can very economically craft a video that will help you stand out. And our claim to fame? When your company or brand connects with your target audience on a personal level through a Thought Digital Movie, you'll not only be able to convey a powerful and effective message, but also trigger or prompt the viewer to take a desired action. So whether it's engineering, infrastructure, logistics, healthcare, food, IT, media, mining, accounting, production, manufacturing, services and solutions providing, we have demonstrated that movies help businesses go to the next level. Contact us to discuss the benefits and value of a video for your venture. Because it's only when the video we create has worked for you that we can really confidently say that we make entertainment work. अब हमारे लिए लोगों का इंटीग्रेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्लाइंट्स हम लोगों को उस तरह से ट्रस्ट करते हैं कि इफ वी डोंट मैच विद आवर लोगो वी वोंट मैच विद देयर और देयर ऑपरेशंस। और जैसा वो उधर का लोगो है वैसे यहाँ के लोगों के लिए भी हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि एवरीबॉडी को नहीं ये गलत दिख रहा है इसको सीधा कर दो। सर ये जो व्यू में पूरा शूट था वो आपने किया? हाँ जी पूरा शूट। हाँ जी ये बहुत पुराना है, 2015 का है वो डेमो। और ये इसलिए हुआ था, ये डेमो बनाया था क्योंकि पहले हम लोगों का 6 मिनट का डेमो था, अब लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, इसलिए फिर 2 मिनट में हम लोगों ने किन इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या किया है वो लोगों को फटाफट दिखाने के लिए ये डेमो। नहीं वैसे मैंने तभी इसीलिए सब लोगों को पूछा, बहुत कंपनी ने इनको नहीं जोड़ा है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है इसलिए हम आप तक कैसे पहुंचे। तो बेसिकली हाँ आई एम डन क्वेश्चन आंसर्स। आज सभी तीनों हैं स्पीकर सबके अपने साथ, तो आपको जिनसे भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग सुन सकते हैं। मैम आप लोग आते ही आई वुड लाइक टू आस्क जैसे आप बोल रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग के या जो स्टाइल या इंडिया मार्ट को क्वेरी हैंडल करने के लिए भी आपको अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो हायर समवन एल्स, बट क्या बोलो इतना अच्छे से वो क्वेरी हैंडल कर सकते हैं जितना हम खुद कर सकते हैं? बिकॉज दे डोंट एज माई एक्सपीरियंस दे डोंट बॉदर अबाउट कि वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना आप खुद के लिए बॉदर करोगे। ये शायद अलग सेशन है लेकिन मैं बता दूँ, this is a common problem with every entrepreneur that he thinks that only he will do everything, and
nobody else can do that better than you. The key here is, if you want to grow, you need more than 24 hours a day. And the only way you can get that is replicate yourself into some other place. Delegate to karna hi padega. मैं डेलीगेट में नहीं बिलीव करता, मैं बिलीव करता हूँ सामने वाले ने वो लेनी चाहिए आपसे. उसके लिए आपने आप कस्टमर्स अक्वायर करने में आप बहुत रिसोर्सेज देते हैं. कोई भी मुझे नहीं दिखता जो को फाउंडर्स और पार्टनर्स और मतलब जिस जो आपके साथ में वो काम करने लगे, ऐसा कोई पैटर्न भी ढूंढने में कोई मदद एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो वो देखना चाहिए आपको. मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो मतलब प्रोबेबली 10x मोर रिवॉर्डिंग देन गेटिंग अ बिग कस्टमर इज एक्चुअली गेटिंग अ को-फाउंडर और अ पर्सन हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यू एंड यू वॉन्ट हैव टू डेलीगेट इट. बिकॉज वंस यू डेलीगेट इट इज थ्रस्ट अपॉन यू. वंस ही टेक्स इट, मतलब he has committed to that ownership. He now owns into your business. He is a stakeholder in your business. Or actually. But you need to be open to that. अगर मैं दिन में 5 बार दिमाग में मेरे ये सोच रहा हूँ कि मेरे से ये कर ही नहीं सकता, तो कोई ये बोलेगा भी नहीं मेरे को कि सर मैं ये कर सकता हूँ. So that is the biggest thing, that thinking like they are a small business is what hampers the growth of small business. बहुत डायरेक्ट सा लगा और वो मुझे अभी बोलेंगे कि आप आपके बिजनेस के डिटेल तो मेल भेजो. ऐसे और आई थिंक ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा कि अगर एज अ स्मॉल बिजनेस कोई अपना ऐसा वीडियो बनाना चाहता है तो मोटा मोटी क्या बजट होगा आपसे बनाना चाहता है तो. देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ. अगर आपके पास पेपर पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, आप सबके पास में फोन ऐसे हैं जो ये जिस कैमरे से शूट किया है उससे अच्छा रेजोल्यूशन आपके कैमरा में है. अगर आप लोगों ने शूट करके रखा हुआ है, आप हम लोग सिर्फ पैकेजिंग हमसे कराना चाहते हैं जो हम लोग करके देते हैं, तो शायद वो मतलब अंडर 15,000 हो जाएगा. अगर पेपर वर्क रेडी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पेपर एंड वीडियो पेपर फोटो वीडियो कंटेंट आपके पास में रेडी है, हम लोग वो पैकेज करना है. तो व्हाट वी डू इज वी हैव एन इंटरेक्शन विद यू. आपकी मतलब आपके बिजनेस के लिए पहले टारगेट ऑडियंस होने के कौन है वो डेमोन्स्ट्रेटेड होना चाहिए. आपके सिर्फ बोलने से नहीं होता कि कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे टारगेट ऑडियंस है. नहीं, आपने बेचा है क्या इससे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, तो फिर वो टारगेट ऑडियंस है. नहीं तो फिर हमारे साथ काम कीजिए, क्योंकि क्योंकि हमारी फिल्म हमारे लिए सिर्फ तभी काम करती है जब वो आपके लिए काम करे. तो पहले हम लोग उस पर आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा. हमारे साथ काम करने का एक बहुत नेगेटिव चीज मैं बताता हूँ, ये होती है कि वी मेक यू वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. वी आस्क यू एवरीथिंग, वील वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज ओनली देन वील बी एबल टू मेक अ गुड फिल्म फॉर यू. तो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ बींग अनकंफर्टेबल देन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. आप ये आपने करना चाहिए मैम, ये हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग करेंगे, वीडियो बना के देंगे, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगा, फिर हमें मत बोलिए. तो दैट इज हाउ वी वर्क. पर अगर आपके पास में वो है तो, अगर नहीं है तो हम लोगों के पास में शूटिंग वाले जो लोग हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 7,500 पर शिफ्ट टू 1,25,000 या 1,35,000 रुपीज पर शिफ्ट, 6 घंटे के शूट का.
डिपेंडिंग ऑन आपको क्या क्या चाहिए उसमें, आपका कहाँ पे शूट है, कितना ट्रैवल है वगैरह वगैरह वगैरह. एंड जनरली इट इज मतलब टू डेज का एडिट अगर है तो 15,000 के आसपास उसका कॉस्ट जाता है. बट इट इज नॉट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट यू डू दैट फ्रॉम अस. वॉट वी ऑल्सो डू इज वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन एंड आर ऑफिस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन बिकॉज वॉट वी बिलीव इज कि अगर आप हमारे पास आए और हमारे अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ भी करने में आपके लैपटॉप पे तो आप हमारे ऑफिस में आए. ऑफकोर्स